रहीम अस्सलाम अलकुम स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन लास्ट टाइम हमने uh, uh, टिशू तक पढ़ा था आज हम आर्गन से स्टार्ट लेंगे सो लेट्स मूव विद आर्गन व्हाट इज़ आर्गन आर्गन रिलेटेड और सिमिलर टिशू कम्बाइन इन स्पेसिफिक वे

Stomach is an organ and that is made up of two di many different types of tissue but here we will explain two, epithelial tissue and muscular tissue. Epithelial tissues secrete gastric juice which help in digestion and muscular tissue produce contraction and relaxation of stomach for movement of food so that is stomach is an organ which is made of different type of tissue that is epithelial tissue muscular tissue uh, glandular tissue etc similarly lungs uh, heart uh, liver are also organ that are made of different type of tissues so that was the tissue system uh, that was the organ system so now we will move towards the organ uh, system different organ वर्क टूगेदर टू फॉर्म अ सिसटम कॉल आर्गन सिस्टम जब डिफरेंट सिस्टम यानि डिफरेंट आर्गन कम्बाइनली वर्क करते हैं तो वह एक आर्गन uh, सिस्टम बनाते हैं मिसाल के तौर पर सर्कुलेट्री सिस्टम डाइजस्टिव सिस्टम एंड इस्पायरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट्सट्रा देर आर आलसो मनी सिस्टम इन आवर बॉडी इन डोक्राइन सिस्टम If we look at to the heart, heart uh, is when artery blood. These organ combine one, two, three, four. They make a system that is called circulatory system or blood circulatory system. Similarly, in plants, xylem and phloem. These are two organ. So we can consider it as an organ. So these combine to form a system that is called vascular system which conduct fodder and food inside the plant. So organ system is that system in different organs combine and form a system and that is called organ system. Similar digestive system is made of stomachs, intestine, uh, liver, pancreas, etc. Respiratory system consists of lungs. Uh, uh, trachea, etc. So different organs combine to form a system that is called organ system. So that was the organ and organ system. So now we will move to another uh, biological organization that is called organisms. Organism mean a whole organisms, a complete body. When डिफरेंट आर्गन सिस्टम एज वी मिनशनरियर कम्बाइन दे फॉर्म कम्प्लीट आर्गेनज़म और कम्प्लीट बॉडी विच इज़ नाउन एज ऑर्गेनज़म जब मुख्तलिगन सिस्टम कम्बाइन हो जाते हैं एक बॉडी में तो फिर वह एक आर्गेनिज़म बना लेते हैं मिसाल के तौर तो पर ह्यूमन एक आर्गेनिज़म है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं सरकुलेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह सो ऑर्गेनिज्म कंटेन मैनी आर्गन सिस्टम और हमारी बॉडी एक आर्गे, हमारे ऑर्गेनिज्म है इसमें बहुत से सिस्टम है प्लांट एक आल्सो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी बहुत सारे सिस्टम है ठीक है so, सो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अब यहाँ तक तो हमें ऑर्गेनिज्म तक लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म तक जो हम लेवल पढ़े थे वो यहाँ तक थे अब ऑर्गेनिज्म से ऊपर जो लेवल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के तो वो कौन से होते हैं वो जनरली मैं डिस्क्राइब करूँगा पहला होता है स्पीशीज़ वट स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड फ्रीली एंड कैन फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग स्कॉर्फ स्पीशीज़ एग्जाम्पल आल ह्यूमन कोज स्पीशीज़ एक ऐसा एक ऐसे ऑर्गेनिज़म को हम कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट होती है नेचुरली और वो क्या करते हैं फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और क्या करते हैं जो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं वो भी फर्टाइल होंगे फर्टाइल का मतलब ये है कि वो भी अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं उसमें भी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी के 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 हो सकती है तो ऐसे ग्रुप को हम फिर क्या कहते हैं स्पीशीज़ कहते हैं ऐसे ऐसे स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पेयर क्या कहते हैं स्पीशीज़ कहते हैं मिसाल के तौर पर तमाम इंसान जो है वो एक स्पीशीज़ है तमाम घोड़े जो है वो एक स्पीशीज़ है तमाम जो गाय है वो एक स्पीशीज़ है क्योंकि वो जो उसमें एक मौसम की तरफ भी एक जिससे होते हैं वो पीले एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और जो आ, आ, स्प्रिंग जो पैदा करते हैं उसमें भी क्वालिटी होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं अब अगर हम देख ले कि म्यूल जो है जो हॉर्स और डंकी से पैदा होता है तो एक स्पीशीज़ नहीं है क्योंकि म्यूल जो है वो दूसरे अपने नस्ल को नहीं बढ़ा सकते उसमें क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट होती है सो म्यूल इज़ नॉट अ स्पीशीज़ सो स्पीशीज़ के लिए कुछ क्वालिटी लाज़मन होती है जो उसमें मौजूद होना चाहिए सो नाउ वी विल मूव टू एनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ पापुलेशन पापुलेशन क्या होते हैं विन सेम स्पीशीज़ कंबाइन या लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया शेयरिंग सेम रिसोर्स एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर जब किसी खास इलाके में या किसी एरिया में ऐसे ग्रुप ऑफ आर्गेनिज़म रहते हैं जो सिमिलर हो और वो एक दूसरे के साथ एक ही रिसोर्स शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उसको हम फिर पॉपुलेशन कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर एक एरिया में बहुत सारे इंसान कंबाइनली रहते हैं तो हम इस एरिया के जो इंसान इकट्ठे रहते हैं इसको हम पापुलेशन कहते हैं सिमिलरली अगर एक पान में तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते हैं तो हम इस कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पापुलेशन ऑफ फ्राग मेंढक का पापुलेशन क्योंकि वो एक सिमिलर रिसोर्स शेयर करते हैं मिसाल के सिमिलर रिसोर्स का मतलब है उसका ख़ुराक उसका खाना पीना एक ही जैसा हो तो फिर ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म को हम पॉपुलेशन कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं पापुलेशन सो वी विल मूव टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल दैट इज़ कम्यूनिटी कम्यूनिटी किसे कहते हैं वन डिफरेंट पापुलेशन लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया शेयरिंग सेम और डिफरेंट रिसोर्स एंड एफेक्ट इच अदर कॉल कम्यूनिटी अब एक ऐसा इलाका है एरिया है जहाँ पर डिफरेंट पापुलेशन रहते हैं इकट्ठे है। और उसका रिसोर्स डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकते है डिफेंड करता है तो फिर हम ऐसे इलाके को और ऐसे ग्रुप्स को हम फिर क्या कहते हैं कम्यूनिटी कहते हैं क्योंकि कम्यूनिटी में डिफरेंट पापुलेशन रहते है अब हम हम एक एरिया ले ले जहाँ पर इंसान भी रहते हैं गाय भी रहते हैं और भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो फिर हम उस जगह को फिर हम क्या कंसीडर करते हैं कम्युनिटी कंसीडर करते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन रहते हैं और वो दूसरे एक दूसरे के साथ इंट्रेक्शन भी करते हैं और रिसोर्स भी शेयर करते हैं मतलब वो अपने खुराक उसकी एक जैसी भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं सो दैट इज़ कम्यूनिटी लेवल फिर इसके बाद इकोसिस्टम सिस्टम आता है इको सिस्टम इज अ प्लेस वी आर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर सो तो इकोसिस्टम सिस्टम के मैंने डिफिनेशन नहीं लिख लिया क्योंकि वो फिर आगे बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप आगे पढ़ेंगे क्लासों में या बायोडावर्सिटी चैप्टर में तो फिर वो हर डिटेल से पढ़ेंगे सो दैट वॉज अ लिटिल अबाउट द आर्गन सिस्टम चूंकि हमने स्टार्ट किया था यहाँ से तो पहला हमने पढ़ा था कि एटम क्या है एटम कंबाइन हो जाते हैं फिर मालिक्यूल और कंपाउंड बना लेते हैं फिर कंपाउंड और मालिक्यूल एक ख़ास पैटर्न के साथ कंबाइन हो जाते हैं आर्गेनली बनाते हैं आर्गेनली पे सेल बनाते हैं सेल पर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यू जो है वो फिर कंबाइन हो जाते हैं तो फिर आर्गन बना लेते हैं आर्गन कंबाइन हो जाते हैं आर्गन सिस्टम बना लेते हैं आर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाते हैं कंप्लीट बॉडी बना लेते हैं उस कंप्लीट बॉडी को ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जब वो आर्गेनिज़म कम्बाइन हो जाते हैं तो जब वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को फिर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें स्पीशीज़ भी आते हैं जब स्पीशीज़ मुख्तलि स्पीशीज़ कंबाइन हो जाते हैं ख़ास एरिए में तो हम इसको पापुलेशन कहते हैं जब डिफरेंट पापुलेशन एक एरिया में रहते हैं तो फिर हम इसको कम्यूनिटी कंसिडर करते हैं और फिर एकोसस्टम सो दैट वाज जनरल स्केच अबाउट द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है और किस तरह वो रहता है इस इन्वायरमेंट में या इस ऑफ इस प्लानट पर सो देट जनरल अबाउट द पॉपुलेशन एंड बायोलॉजिकल आर्गनइजेशंस तो आज तक यहाँ तक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल था वो ख़त्म हुआ है इसके बाद हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने ऑर्गेनिज्म अन द बेस्ट ऑफ सिलर टाइप कितने होते हैं यूनिसर ऑर्गेनिजम मल्टी सेलर ऑर्गेजम एंड कॉलोनील ये तीन हम पढ़ेंगे आगे कि ये किस तरह फंक्शन करते हैं इसके बॉडी में कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है और ये इसकी एग्जांपल कौन से है तो इन स्टे स्टेप फॉर नेक्स्ट क्लास व